हेलो फ्रेंड्स, सनराइज एजुकेशन हब में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले वह वीडियो देख लें। ये वीडियोज़ हैं वो राजस्थान की जो सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ साथ ही अन्य एग्जाम जैसी चाहे वह SSC हो, रेलवे और सभी के लिए ये क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन वीडियोस के तहत हम रोजाना कंप्यूटर के एक टॉपिक पर पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड है वो क्वेश्चन से करेंगे। तो आज के वीडियो में भी हम उसी तरह पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं, कौन से? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होते हैं कि इनपुट यूनिट में कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना यूनिट इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाला एक ऐसा डिस्प्ले हो जाता है जिसे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता। आउटपुट यूनिट डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट का कार्य यह है कि वह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं उसे हमारी भाषा में परिवर्तित करके प्रदर्शित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। तो CPU ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं तथा निर्देश कोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। मेमोरी यूनिट मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में से एक अर्थात सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। मेमोरी यूनिट के 2 भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, यह CPU से सीधे जुड़ा रहता है। प्राइमरी मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। रैम यह एक मेमोरी एक चिप पर होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। हम इस मेमोरी के लिए किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने या उसमें से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं। रैम में वे प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं जिनको CPU खोज सके और वहां से प्राप्त कर सके। इस मेमोरी को भी कई भागों में बांटा जाता है ताकि उसमें रखी गई सूचना को सुव्यवस्थित किया जा सके और उन्हें पाया जा सके। ऐसे प्रत्येक भाग का एक निश्चित पता होता है, एड्रेस होता है। किसी डेटा बस की सहायता से हम रैम से किसी सूचना को निकाल सकते हैं या इसमें कोई सूचना स्टोर है कर सकते हैं। दूसरी है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। यह वह मेमोरी है जिसमें डाटा पहले से भरा जा चुका है और जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। यह स्थायी मेमोरी है तो हम उसे हटा या बदल नहीं सकते। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक प्रोग्राम और डेटा लिख दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। जब कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तब भी ये जो डेटा है वो सुरक्षित रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी CPU से लगी रहती है इसमें, इसलिए इसे बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने के कारण और बिजली बंद होने कर देने पर उसमें रखी अधिकतम सूचनाएं नष्ट हो जाने की इसी कमी के कारण सेकेंडरी मेमोरी की उपयोगिता बढ़ जाती है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो काफ़ी महंगी होती है, मुख्य मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल CD ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, USB आदि। बस क्या होती है? CPU डेटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा पेरिफेरल्स डिवाइसेस को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बस प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं। दूसरे शब्दों में एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शनों का संग्रह होती है जिनसे होकर सिग्नल है वो एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम है। बस के प्रकार, आंतरिक बस, बाह्य बस। देखिए,
आंतरिक बस क्या होती है, मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है, जैसे सीपीयू एवं सिस्टम मेमोरी। बाह्य बस विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, पेरिफेरल्स आदि। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मशीन साइकिल क्या होता है कि वे वह समय जो दो ऑपरेंड को रजिस्टर से लाकर उन पर एएलयू ऑपरेशन करके प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। यह पूरा चक्कर क्या कहलाता है, मशीन साइकिल। बफर, यह एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो कि रैम में होता है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले बफर में ही स्टोर होता है। किसी कंप्यूटर के कार्य निष्पादन करने की क्षमता उसके रजिस्टर्स, रैम तथा कैश मेमोरी के आकार तथा सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करती है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट को सॉकेट्स कहते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। ये जो बिंदु है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस हैं वो काफी क्वेश्चन बनते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह है होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देश को लोकेट करने तथा उसे पहुंचाने के लिए लिए गए समय को प्रोसेसिंग चक्कर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन एक है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, यूपीएस। देखिए, सीपीयू के बिना कंप्यूटर कंप्यूटर है ही नहीं। माउस एक इनपुट यूनिट है, डिवाइस है जिसके सहायता से कंप्यूटर को चलाया जाता है। मॉनिटर डिस्प्ले के लिए है। इन सब के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। अगर यूपीएस ना हो तो भी कंप्यूटर से हम कार्य कर सकते हैं। यूपीएस किस लिए यूज लिया जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए। ठीक है, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स, लाइन्स। तो यह क्वेश्चन अभी हमने महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉकेट्स। निम्न में से यह सीपीयू का भाग है, तो सीपीयू का भाग इनमें से कौन सा है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का भाग कौन सा है, अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। नेक्स्ट है, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, नर्व सेंटर, आईसी, क्लॉक या उपयुक्त सभी। तो यह क्वेश्चन भी हमने महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर पढ़ा था, तो इसको क्या कहते हैं, क्लॉक। बिट्स का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है कहलाता है। इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर। तो राइट आंसर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन कोड। सीपीयू तथा पेरिफेरल्स के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं बस, लाइन, मीडिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, बस। वह मेमोरी इकाई जो सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करती है कहलाती है, मेन मेमोरी, बाय मेमोरी, पेन ड्राइव या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर में कहां पर डेटा को जोड़ा तथा उसकी तुलना की जाती है, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में, मेमोरी चिप में, फ्लॉपी डिस्क में। तो राइट आंसर क्या होगा, सीपीयू में। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है, कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल या कमांड सिग्नल। तो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल सिग्नल। किसी प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं,
जो इंस्ट्रक्शन है वो बार बार यूज किए जाते हैं, तो वो कौन सी मेमोरी में सुरक्षित रहते हैं? ऑप्शन आर डिस्क, कैश, रैम और रोम। तो राइट आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी, कैश से। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? स्टोर साइकिल, फेच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल या डीकोड साइकिल? तो राइट आंसर क्या होगा? फेच साइकिल। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड या रैम? तो क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। इंस्ट्रक्शन का वह समूह है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। इंस्ट्रक्शन का समूह है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? हार्डवेयर, लॉजिकल यूनिट, प्रोग्राम या सीपीयू? तो राइट आंसर क्या होगा? सी, प्रोग्राम। एएलयू का कार्य है गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रिया को करना, चलचित्रों को चलाना, गाने चलाना, लेटर लिखना। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, गणितीय क्रियाओं तो वह तर्क की क्रिया को करना। माइक्रो प्रोसेसर को डैश डैश भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? चिप, आईसी, रूल या ट्रांजिस्टर? तो राइट आंसर क्या होगा? चिप। मशीन साइकिल को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक यूनिट? तो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर क्या होगा? रैम। खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। प्रिंटिंग, आउटपुट, इनपुट या सॉलिड स्टेट? तो कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में या प्रोग्राम में बदल देती है जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? सीपीयू, मदरबोर्ड, रोम या रैम? तो क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। मशीन में कमांड में कैरी करने की विधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग, बूटिंग, एग्जीक्यूटिंग या शेड्यूलिंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमांड कैरी करने को एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं? सीपीयू स्पीड, एक्सेस समय, एक प्रोसेसिंग चक्र या क्लॉक स्पीड? तो राइट आंसर क्या होगा? एक प्रोसेसिंग चक्र। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए व दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।